समय 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और इसके बाद प्रवेश लगभग शुरू हो गया है। प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। हालांकि महाराष्ट्र मुस्लिम तेली परिषद और महाराष्ट्र की प्रेस परिषद ने तालुका में जरूरतमंद छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। इस कार्यक्रम में 24 मार्च को गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्यों को इस आयोजन के लिए उपस्थित होना चाहिए। अधिवक्ता ने कहा, इसे अकरम खान पठान ने किया है। बदनापुर तालुका को शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र मुस्लिम तेली परिषद और प्रेस काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किए जाते हैं, ताकि तालुका में छात्रों को प्रवेश पाने में कोई कठिनाई ना हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र तेली परिषद विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को लागू कर चुकी है। इसी तरह हर साल निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र जारी कर बांटे जाते हैं। इस वर्ष भी यह आयोजन 24 मार्च को सुबह 10 बजे थाना बदनापुर में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी संदीपन सनप करेंगे और अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज राजगुरु करेंगे। अधिकारी वीआर हरकल, पुलिस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड़, दैनिक पार्श्व भूमि संपादक दिलीप राठी, विधान और मंत्रालय संपादक पत्रकार संघ के महासचिव और राम विचार के संपादक विजय सकलेचा, महाराष्ट्र प्रेस परिषद के अध्यक्ष और दैनिक तूफान के संपादक लोकशाही इलियास खान, प्रबंध निदेशक निर्मल क्रीड़ा और समाज प्रबोधन ट्रस्ट के डॉक्टर देवेश प्रथिकर, डॉक्टर नूर अस्पताल। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।